जय माता रानी। दर्शन कराऊंगा। ये जो मेरे सामने है हनुमान जी, 108 फीट लंबी प्रतिमा है हनुमान जी की। आज हम यहाँ दर्शन करेंगे और जानेंगे इस मंदिर के बारे में भी। तो ये है दोस्तों करोल बाग में मंदिर और हनुमान जी की प्रतिमा जो कि 108 फीट लंबी है। और ये 108 फीट लंबी क्यों है ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे ना नाग बाबा रहा करते थे 1994 में। तब उनके सपने में एक दिन हनुमान जी ने आके दर्शन दिया था और उनसे कहा था कि यहाँ पे मेरी एक विशाल मूर्ति बनवाई जाए। तब नाग बाबा जी ने ये मूर्ति बनवाई थी और इसको बनने में 13 साल लगे थे तकरीबन। और यहाँ पे दोस्तों जम्मू कश्मीर की तरह जैसे माता वैष्णो रानी की गुफा है वो भी यहाँ पे है, तो हम वहाँ पे भी जाके दर्शन करेंगे। और एक अद्भुत दृश्य आप देख सकते हो यहाँ पे मंगलवार में और शनिवार में शाम को आरती के टाइम पे। उस दिन क्या होता है, हनुमान जी आरती के समय में अपने दोनों हाथ से अपना सीना चीर के दर्शन कराते हैं श्री राम और माता सीता रानी के। तो ये दृश्य आप देख सकते हो और इस दृश्य को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं करोल बाग में। काफ़ी मूवी में और सीरियल्स वगैरह में भी ये दिखाई जाती है। जब भी दिल्ली का दृश्य दिखाना होता है तो ये प्रतिमा हनुमान जी की दिखाई जाती है। तो आप देख सकते हो काफ़ी फेमस हो चुका है ये मंदिर। और एक चीज़ और भी कि जितने भी इंडिया में मंदिर है उनमें से ये मंदिर बहुत ख़ास मंदिर है यहाँ का। तो यहाँ से जाएंगे दोस्तों हम अंदर श्री हनुमान जी के मंदिर में और यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है, जूते चप्पल रख सकते हो, उधर भी प्रसाद मिलता है। यहाँ से हम एंट्री करेंगे और वहाँ से एक गुफा है माता वैष्णो रानी जी की, वहाँ से हम बाहर आएंगे। और यहाँ पे बराबर में काली माता जी का मंदिर है। तो कहते हैं कि जब भी आप यहाँ पे मंदिर में आओ दर्शन करो तो दर्शन करने के बाद में गुफा से निकल के काली माता के दर्शन करना ज़रूरी है, तभी आपकी यात्रा पूरी हो पाएगी। और दोस्तों फिर से बताऊँगा कि ये मंदिर करोल बाग में है दिल्ली के। यहाँ से दोस्तों आप टाइम देख सकते हो सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात्रि 1 बजे तक। मंगलवार शनिवार रविवार को मंदिर सारा दिन खुला रहेगा 12 बजे तक। जय श्री राम। ये देख सकते हो आप हनुमान जी का पैर कितना बड़ा है, ये देखिए कितना बड़ा पैर बना है। ये देखिए हनुमान जी का आप दुपट्टा देखो किस तरह की है, जो हनुमान जी की चुन्नी है। और ये देखो गदा कितना बड़ा है, ये देखो मैं दिखा देता हूँ कि कितना बड़ा, ये देखो उंगली कितनी बड़ी है हनुमान जी की, बहुत बड़ी। ऊपर और वहाँ पे जो यहाँ पे उंगलियाँ है ना, खाली हनुमान जी ऐसे उंगलियाँ अंदर मोड़ते हैं तो यहाँ पे जो श्री राम और माता रानी बैठी है उनके दर्शन होते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, आ जाओ। यहाँ पे आप अपने जूते वगैरह रख सकते हो, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। तो यहाँ से जूते रख के टोकन ले लिया है और यहाँ से लेंगे हम प्रसाद। तो यहाँ से प्रसाद मिल जाएगा। भैया कैसे कैसे दिया प्रसाद? 51 का और 101 का, तो 51 वाला दे दो आप। ठीक है, यहाँ से हमने ले लिया है दोस्तों प्रसाद और अब चलेंगे अंदर। और यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो दोस्तों कि कितनी बड़ी प्रतिमा बनाई हुई है, बरेवा। और यहाँ पे हनुमान जी के पैरों के बीच में ना ये राक्षस का मुंह बनाया हुआ है। और ये आप इधर देख सकते हो यहाँ पे शेर का मुंह है। और ये देखो गदा कितना बड़ा है, कितना बड़ा गदा है, ये देखो भाई वाह, ये देखो कितनी ऊँची है। तो यहाँ से हम जाएंगे, तो चलो चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन। ये देखो आप किस तरह के दांत बनाए हुए हैं, ये देखो। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अंदर। अंदर आने के बाद में आप देखोगे इस तरह का यहाँ पे दर्शन है। तो चलो सबसे पहले चढ़ाते हैं प्रसाद। दीजिए पंडित जी प्रसाद चढ़ा दीजिए। तो यहाँ से देखो पंडित जी एक बार चढ़ा दीजिए प्रसाद।
प्रसाद हमारा। और लो जी, दर्शन करिए आप भगवान जी के, अच्छे से दर्शन करिए। श्री राम जी के दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों, एक खास चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको। यहाँ पे आप देखोगे कि अखंड रामायण का पाठ चलता रहता है, और जहाँ ये पाठ चलता रहता है ठीक इसी के सामने विराजमान है, यहाँ पे देखिए आप, श्री राम जी, माता रानी और लक्ष्मण जी और हमारे हनुमान जी। तो आप जब भी यहाँ पे आएंगे दोस्तों, तो टीका लगवाइए पंडित जी से, चरणामृत लीजिए, अपने पीजिए और उसको आशीर्वाद की तरह ग्रहण कीजिए। यहाँ पे आप दान भी कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने भी टीका वगैरह लगवा लिया, चरणामृत पी लिया है, आशीर्वाद ले लिया है भगवान जी का। चलिए आप करते हैं आगे। दोस्तों, अभी दर्शन करते हुए श्री राम जी के मुझे यहाँ पे एक दोस्त मिल गए हैं, मतलब जानता नहीं हूँ मैं, पर यहाँ पे एक भाई मिले हैं। मैं उनका नाम पूछता हूँ, भाई क्या नाम है आपका? सचिन नाम है। आप एक बार आएगा तो कैसा लगा आपको मंदिर में? पहले मंदिर के बारे में बताओ। मंदिर में काफ़ी बार आया हूँ, पास में रहता हूँ। अच्छा, जब भी आता हूँ हाँ, तो लेकर अपना पूजा पाठ करता हूँ मंदिर सरकार जी की। सचिन बताया, सचिन कुमार यहीं के रहने वाले हैं ये, और मंदिर में काफ़ी बार आते जाते रहते हैं दर्शन करने भगवान जी के। तो मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया हूँ करोल बाग यहाँ पे दर्शन करने के लिए, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। आई होप कि मैं जल्दी भी दोबारा आऊँगा। मंदिर है वहाँ पर भी जाइए, ठीक है, वहाँ पर भी एक बार देखेंगे जाके। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, दर्शन करते हैं। जय 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 जय। तो दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो हनुमान जी का मंदिर है, सिद्ध मंदिर है करोल बाग में है, वो कहते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप जब भी यहाँ पे आएगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, आप हनुमान जी से आके कहिए और अपनी मनोकामना यहाँ पे रखिए, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और यहाँ पे आके दर्शन करने से बहुत चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो आइए और दर्शन करिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, सुकून मिलने वाला है, और काफ़ी अच्छा मंदिर है। और साथ ही जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको मैं इधर से ले जा के दिखा देता हूँ। तो जब आप यहाँ पे आओ, आप जो गुफा है आप वहाँ पे भी जाइए, माता वैष्णो रानी की एक गुफा है यहाँ पे, जैसे कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पे भी आप जाइएगा। यहाँ पे माता वैष्णो रानी है, एक गुफा ये है, यहाँ से जैसे देख सकते हो किस तरह से बनाई हुई है अंदर, वहाँ पे माता रानी है, जय हो भगवान जी। वहाँ पे ना अंदर जाके एक कुआँ है जो कि बहुत पुराना कुआँ है, तो ये बंद किया हुआ है अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, समुद्र मंथन का यहाँ पे दिखाया गया है, ये शेषनाग है यहाँ पे, और समुद्र मंथन में जितना भी चीज़ें थी, जैसे नाग, हाथी, शंख, जो भी निकला था वो सब यहाँ पे है। उधर शिव जी बैठे हुए हैं, ये समुद्र मंथन जैसा दिखाया हुआ है। और एकदम यहाँ पे देखिए, ये शिव जी है, और यहाँ पे देवता लोग समुद्र मंथन कर रहे हैं, उधर राक्षस है। तो इस तरह से समुद्र मंथन हुआ था दोस्तों, तो ये भी आप दर्शन कर लीजिए अच्छे से। अभी चलते हैं आगे। तो यहाँ पे दोस्तों, ये वो बाबा जी है जिनके सपने में आके हनुमान जी ने दर्शन देके बोला था कि यहाँ पे जो छोटी मूर्ति थी उसको मतलब बड़ा बनवाया जाए। तब इन बाबा जी ने यहाँ पे 108 फीट लंबी प्रतिमा बनवाई थी हनुमान जी की। यहाँ से आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। और यहाँ पे इनकी धूली है, तो ये हम माथे पे लगा लेते हैं अपने। जय हो भगवान जी।
यहाँ से हम इनके बारे में आपको दिखा देते हैं। ये श्री गुरु दत्तात्रेय जी महाराज, नागा बाबा सेवागिरी जी महाराज जी, तो यहाँ से आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। और आगे चलेंगे दोस्तों, आप देख सकते हो कितना अच्छे से बनाया हुआ है मंदिर। ये देखिए, ये है काली माता का मंदिर, जो कि हनुमान जी के जब दर्शन कर लेते हैं, वहाँ पे दर्शन करने के बाद में आपको यहाँ दर्शन करना ज़रूरी होता है, तभी आपका यहाँ पे आना सफल रहता है। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको गुफा में लेके चलता हूँ, जो कि जम्मू कश्मीर की तरह बनाई गई है। जम्मू कश्मीर में जो माता वैष्णो रानी की गुफा है वो यहाँ से है, तो हम यहाँ से अंदर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अंदर चलते हैं यहाँ से माता रानी की गुफा में। ये देख के थोड़ा सा, ये देखो काफ़ी नीचे है। तो चलिए, यहाँ आप देख सकते हो पानी रहता है, जैसे कि ऐसा ही फील हो आपको जैसा आप वैष्णो देवी आ गए हो। यहाँ पे आप देख सकते हो माता रानी की मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई। ये नीचे पानी ऐसे ही चलता रहता है दोस्तों। यहाँ पे माता रानी के आप दर्शन कर लीजिए, जय माता रानी। वहाँ से हम आए थे गुफा से, और यहाँ पे माता रानी विराजमान है, ये इस तरह से यहाँ पे शिव जी महाराज जी विराजमान हैं, और हम गुफा से आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। जय माता रानी। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखो यहाँ से निकलेंगे बाहर। जय माता रानी। और जैसे ही हम बाहर निकले तो थोड़ा सर बचा के निकलना पड़ेगा। तो अभी आ गए हम बाहर शेर के मुंह से, ये देखो जय हो। तो दोस्तों, यहाँ से गुफा का एग्जिट है, और ये शेर बनाया हुआ है, और यहीं पे है काली माता मंदिर। तो जब आप इस गुफा से बाहर आ जाओ तो आपको दर्शन करने हैं काली माता मंदिर पे जाके, यहाँ से तभी आपकी यात्रा पूरी होगी। यहाँ से आपको काली माता के मंदिर में जाना है, दर्शन करने हैं, और यहीं पे विराजमान है शनिदेव महाराज जी, तो आप शनिदेव महाराज जी के दर्शन करिए। जय शनिदेव महाराज जी। तो चलिए करते हैं माता रानी के दर्शन यहाँ से। जैसे ही आप इधर आओगे पीछे, तो यहाँ से अंदर जाके काली माता है, वहाँ पे आप जाके दर्शन करिए, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। लीजिए, जय काली माता, जय माता रानी। तो दोस्तों, दर्शन करने के बाद में आपकी यात्रा हो जाएगी पूरी, और तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं दर्शन करके बाहर मंदिर के, और मैंने आज आपको दर्शन कराए हनुमान जी के, माता रानी के, और जो वैष्णो माता रानी की गुफा है वो भी आपको दिखाई। तो कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है कुछ भी, इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे आप उससे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। और मंदिर में आप जाते रहिए, दर्शन करिएगा, अच्छा लगता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और भी मैं आगे मंदिर दिखाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे आने वाले मंदिर के ब्लॉग के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।